दोस्तों 80 के दशक की सबसे फेमस चाइल्ड एक्ट्रेस को कौन भूल सकता है। क्यूट और मासूम से दिखने वाली ये बाल कलाकार आज कहाँ है ये कोई नहीं जानता, और वो कलाकार है बेबी गुड्डू, जिन्होंने करीब 32 फिल्मों में काम किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने फिल्मों से दूरियां बना ली, और वो अब कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसे दिखती हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस क्यूट और मासूम से दिखने वाली इस बच्ची के वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों बेबी गुड्डू उस दौर की सबसे ज्यादा मशहूर चाइल्ड एक्ट्रेस थी। इनका असली नाम शहिदा बेग है और फिल्म मेकर MM बेग की बेटी है, लेकिन इन्हें फिल्मी दुनिया में किरण जुनेजा लेकर आई। करीब 3 साल की उम्र में बेबी गुड्डू ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। इन्होंने औलाद, समुद्र, परिवार, घर घर की कहानी, मुलजिम, नगीना और गुरु समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। 1984 में बेबी गुड्डू की पहली फिल्म आई थी पाप और पुण्य। इनकी पहली ही फिल्म को बहुत पसंद किया गया था। बेबी गुड्डू ने उस दौर में टूथपेस्ट और सॉफ्ट ड्रिंक के एड में भी काम किया था। फिल्मों और विज्ञापन की वजह से वो और ज्यादा मशहूर हो गई। बेबी गुड्डू को उस दौर के बॉलीवुड सितारे काफी लाड प्यार करते थे। राजेश खन्ना को तो बेबी गुड्डू इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने बेबी गुड्डू के लिए एक टेलीफिल्म भी बनाई, जिसमें वो लीड रोल में नजर आई। फिल्म का नाम था आधा सच आधा झूठ। लेकिन 1991 में बेबी गुड्डू की आखिरी फिल्म बनी, जिसका नाम था घर परिवार। 11 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लग गई। बेबी गुड्डू कभी भी फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी, जिसमें उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया। बेबी गुड्डू अब दुबई में रहती है, वहां वो अमीरात एयरलाइंस के साथ काम करती है। इनकी अब शादी भी हो चुकी है, लेकिन बॉलीवुड में इनका बचपन कौन भूल सकता है, ये आज भी बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों आपको इनका अभिनय कौन सी फिल्म में अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। और साथ ही बॉलीवुड सितारों से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।